Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another figure of speech, that is paradox. So let's start. So paradox, it is a statement that seems to contradict itself. कि paradox क्या है? एक तरह की statement है जो अपने आप को ही, मतलब वो statement अपने आप को ही contradict करती है. So contradiction का मतलब क्या होता है? जब दो ideas एक दूसरे के opposite होते हैं, that is called as contradiction. So ये जो पैराडॉक्स है एक तरह की स्टेटमेंट है जो अपने आप को यानी कॉन्ट्रडिक्ट करती है. इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ. एंड पैराडॉक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑक्सीमोरॉन से. फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर रखा है ऑक्सीमोरॉन का सेपरेट लेक्चर. अगर आपने नहीं देखा हो या आप इस चैनल पर नए हों तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर. सो ऑक्सीमोरॉन पैराडॉक्स से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ऑक्सीमोरॉन जो है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. कि ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? दो वर्ड्स जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. बट पैराडॉक्स में क्या होता है? पूरी स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है. ऑक्सीमोरॉन का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे स्वीट के साथ मैंने बिटर बोल दिया. स्वीट और बिटर ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. कोल्ड और फायर ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. सो ये एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन का. बट पैराडॉक्स में क्या होता है? पूरी एक स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है. आगे मैं एग्जांपल दूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. पैराडॉक्स क्या है? कि पैराडॉक्स क्या है? एक तरह की स्टेटमेंट है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है. और इसके साथ क्या पैराडॉक्स को राइटर क्यों यूज़ करता है? इस फिगर ऑफ स्पीच को राइटर इसलिए यूज़ करता है ताकि ट्रुथ बताया जा सके. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्लेटो ने कहा आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग. तो आप देख सकते हो इसी स्टेटमेंट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता. कि आई नो वन थिंग, कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, दैट आई नो नथिंग. सो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग. देन जॉर्ज ऑरवेल का एक मतलब मोस्ट फेमस वर्क जिसे हम एनिमल फार्म के नाम से जानते हैं. सो उसमें एक लाइन है जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है पैराडॉक्स का. जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि सारे एनिमल्स इक्वल हैं बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरे से ज़्यादा इक्वल है. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. कि कुछ एनिमल्स, उनमें से सारे एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल से ज़्यादा इक्वल है. सो आप देख सकते हो कॉन्ट्राडिक्शंस. देन जैसे विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट, कि उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. कि मुझे क्रूअल, मैं क्रूअल रहूँगा तभी मैं काइंड बन सकूँगा. सो आप देख सकते हो कि इस तरह ऐसा लिखने के साथ साथ जो है ट्रुथ को भी बताया जा रहा है, ट्रुथ पर भी एम्फेसाइज किया जा रहा है. इसलिए जो है राइटर्स पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं ताकि ट्रुथ को इम्प्लाई कर सकें. सो जैसे शेक्सपियर का प्ले जो कि जिसका नाम हैमलेट है, सो उसमें से भी मैंने एक लाइन कोट की है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. क्रूअल और काइंड ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं जो कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखे हैं. आई मस्ट बी क्रूअल, कि मुझे क्रूअल होना पड़ेगा ताकि मैं काइंड बन सकूँ. काइंड बनने के लिए, टू बी काइंड, काइंड बनने के लिए मुझे क्रूअल बनना पड़ेगा. सो हैमलेट says I must be cruel to be kind. Then William Wordsworth ki short lyric poem hai my heart leaps up when I behold. So usme se bhi ek line li hai jo ki paradox ka bahut acha example hai. The child is the father of the man, ki child is the father of the man. So aap dekh sakte hain isme bhi contradictions hai. Then function of paradox is, देन मैं आपको बताना चाहूँगी कि पैराडॉक्स का क्या फंक्शन होता है. सो कि इससे जो है रीडिंग जो है प्लेजरेबल बन जाती है. यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट हिडन मीनिंग सो आउट ऑफ द राइटिंग. कि आप जो है राइटिंग से हिडन मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. राइटर जो है पैराडॉक्स को इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपने आइडिया को जो है डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्ट वे से बोले, और
डायरेक्टली इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो जो है रीडर्स को मतलब छोड़ देता है, रीडर्स पर छोड़ देता है राइटर कि वो जो है खुद जाकर इसका रियल मीनिंग यानी एक्चुअल मीनिंग डिस्कवर करे, एक्सट्रैक्ट हिडन मीनिंग आउट ऑफ द राइटिंग रादर देन समथिंग प्रेजेंटेड डायरेक्टली टू देम इन एन अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर. जानकर जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है और रीडर्स पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुद डिस्कवर करे इसका एक्चुअल मीनिंग. सो इसलिए पैराडॉक्स को यूज़ किया जाता है ताकि रीडिंग जो है उसे करने में फ़न आए, प्लेजरेबल बने. वी लाइक वेन थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, हम उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हों. सो इसीलिए जो है राइटर जो है इसे यूज़ करते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं. वी लाइक वेन थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड वेन वी सॉल्व दैट वी गेट प्लेजर, कि अगर कोई चीज़ हम कॉम्प्लिकेटेड होगी और हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो है प्लेजर होगा, मतलब हमें मतलब फीलिंग जो है प्लेजर की आने लगेगी अगर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन इससे क्या होता है, चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है. बट जब हम कॉम्प्लिकेशंस को जैसे ही सॉल्व कर लेते हैं सो क्या होता है, हमें प्लेजर मतलब एक प्लेजर की फीलिंग जो है हमारे मन में इवोक होती है. सो इसलिए जो है राइटर्स इसको यूज़ करते हैं. एंड फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. एंड फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें. थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स.